हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज जयंतिका सिंघानिया। एंड गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पहली बार आए हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, और पहले से जुड़े हो तो थैंक यू सो मच। सो गाइस, आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है दोपहर के 1 बजे, क्योंकि सुबह से मैं सोच रही थी अब करूँगी और रह जा रहा था, इस वजह से मैंने कहा कि नहीं, अब तो स्टार्ट करते हो। और स्टार्ट करने के साथ साथ मुझे काम भी बहुत सारे करने हैं। फिलहाल मेरे रूम की हालत आप देख ही सकते हो, और ये 3-4 दिन से ना काफ़ी ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा है। मतलब मैं रोज़ सोचती हूँ कि आज साफ़ करूँगी और रह जाता है। तो आज मैंने सोचा कि नहीं यार, आलस नहीं करते हैं, क्योंकि कल मकर संक्रांति है, कल 14 जनवरी है, और हमारे यहाँ ना 14 जन को ही मकर संक्रांति मतलब मनाया जाता है। आप लोग मुझे बताना कि आपके यहाँ 14th को मनाते हैं या फिर 15th को मनाते हैं प्लीज़, ठीक है। और हमारे यहाँ तो 14 जनवरी को मनाते हैं। तो उसके लिए दादी ने बोला है कि अच्छे से रूम की साफ़ सफ़ाई कर लेना, क्योंकि फेस्टिवल के दिन रूम गंदा रहेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना, इसीलिए आज मैं रूम की साफ़ सफ़ाई करूँगी। तो फटाक से इस मोबाइल को अपने रिंग लाइट में सेट करती हूँ और उसके बाद साफ़ सफ़ाई करते हैं, ठीक है। चलो देखो, ये वाला साइड क्लीन हो गया है। मतलब मैंने सारे कपड़े को फोल्ड करके रख दिया है, ठीक है, ज़्यादा पता नहीं चल रहा होगा बट काफ़ी क्लीन हो गया है, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे इधर वाला साइड, बेड की हालत कुछ ऐसी है, तो बस बेडशीट तो मैं यही रहने दूंगी, बस उसको अच्छे से झाड़ के और फिर वो मच्छर जाली वगैरह ठीक कर देती हूँ, ब्लैंकेट्स वगैरह ठीक कर देती हूँ, फिर उसके बाद पोछा लगा लेंगे एंड हमारा क्लीनिंग हो जाएगा। देखो ये वाला कॉर्नर ऐसे ही रहता है, ठीक है, तो आप लोग मत बोलना कि मैंने क्लीन नहीं किया, क्योंकि मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा मैंने पूरा जान लगा कि इसको क्लीन किया है, ठीक है। और उसके बाद बेड वगैरह क्लीन हो गया है, मच्छर जाली वगैरह रहने दिया, और ये हैप्पी बर्थडे वाला पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं कर रहा निकालने का, तो सोच रही हूँ 1-2 दिन रहने देती हूँ फिर, और ये बलून तो अपने आप ही फूट जाएंगे, मैं इसको नहीं निकालूँगी। और उसके बाद अब बाकी बाड़ी है पोछा लगाने की, तो यहाँ पे मैंने पानी लेके आ गई हूँ, अब फटाक से पोछा लगा देती हूँ, उसके बाद मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। सो गाइस, देखो पोछा भी लगा दिया मैंने और रूम भी अच्छे से क्लीन हो गया है। तो अब मैं जा रही हूँ थोड़ी देर रेस्ट करने, तो मैं आपको मिलूँगी शाम को, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ, तो मेरे को नींद चाहिए, बस मैं थोड़ी देर सोऊँगी अब, ठीक है, चलो बाय। गाइस, मैं आई थी दुकान पर, देखो, और दुकान पर लाइट नहीं है, इस वजह से रिकॉर्ड नहीं करूँगी, और मुझे शर्म भी आ रही है, तो ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करते हैं, घर जाके मिलूंगी आप लोगों से। ऐसा तो मुझे कोई देखेगा तो मुझे दिखेगा नहीं, बस ही ले ले आज कल कहले हमरा गाइस, मैंने दूध लिया ही नहीं तो फिर दही कैसे जमेगा। सुधा का दूध इज तो तुम मेरे को क्यों नहीं बोली, मेरे को बोलती तो मैं ले लेती ना एक्स्ट्रा दूध। तो कोई बात नहीं गाइस, कल मकर संक्रांति है, काफ़ी मज़ा आएगा, तो मैं आपको घर जाके ही मिलूँगी, ठीक है, ठीक है। और ऐसे इस कुर्सी पे बैठ कर ना बहुत ठाट वाली फीलिंग आती है, और मुझे तो पता ही नहीं है कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप लोगों को सुनाई भी दे रहा होगा या नहीं, क्योंकि मैं बहुत धीरे बात कर रही हूँ ना, इतना धीरे तो मैं अपनी ज़िंदगी में कभी किसी से बात नहीं करती गाइस, सच बता रही हूँ। और ये जो पिंपल है ना, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लग रहा है, आप लोग मुझे बताओ कि ये मेरे फेस पे अच्छा लग रहा है ना, यहाँ पे मेरा एक तिल होना चाहिए था ना, मुझे ऐसा लग रहा है ये तिल को उठ के यहाँ जाना चाहिए था, क्योंकि अच्छा लग रहा है तो मैं आपको घर जाके मिलती हूँ। गाइस, मेरी बहन यहाँ पे देखो काम कर रही है, क्या कर रही है, चावल ले रही है। गाइस, उस चावल ले रही है, देखो दादी इधर है, और आज हम बनाएंगे इस चूल्हे पर खाना। सो गाइस, आज हमारे घर चावल सब्जी बनेगा, क्योंकि ना हमारा गैस ख़त्म हो गया है, और जो छोटे वाला गैस पे रोटी मैं बनाऊंगी नहीं बैठ के, क्योंकि एक ही गैस है ना, मतलब ऐसे दो साइड होता है, ऐसे एक ही साइड है, इसलिए फटाक से कनक चावल धो दे रही है, और उसके बाद मैं फटाक से चावल बनाऊँगी फिर सब्जी बनाऊँगी। और अभी हमारे घर में ऐसी शोर हो रहा है गाइस, बुन का बर्थडे आ रहा है ना, इसका बर्थडे आ रहा है गाइस, और हमारे घर में शोर होता रहता है तो हम क्या ही कर सकते हैं ना।
और गाइस इसका बर्थडे रास्ते में है। कहाँ तक पहुँचा है? बहुत दूर। बहुत दूर पहुँच गया गाइस, थोड़ा सा दूर आ जाएगा तो इसका बर्थडे आ जाएगा, है ना? और केक कहाँ है? बर्गिनिया गाइस, केक बर्गिनिया में है। और बलून तो इधर लगाई है कि नहीं, है कि नहीं? इधर देखिए, हाँ हैप्पी बर्थडे है गाइस, इसके बर्थडे के लिए नहीं लगा के रखा है, मुझे अच्छा लग रहा था इसलिए लगा के रखा। सुनो ना, इधर आना, एक फोटो तो ले लो, फोटो फोटो गाइस। ये फोटो भी नहीं लेता है, बट कोई बात नहीं। क्या लेके आ रहे हैं? चाकू। बाप रे, है अच्छी गाइस, जो कैंची लेके आ रहा है, सिजर। सो गाइस ये ना ओखली है, ठीक है, खल। और ये क्या है, इसको क्या बोलते हो? इसका मुसहर है गाइस, ठीक है। और ये हमारे घर निकलती है सिर्फ संक्रांति में, क्योंकि इसमें क्या कूटते हैं? धान कूटेंगे। हाँ गाइस, इसमें कल दादी धान कूटेगी इस देवता पर चढ़ाने के लिए, इसलिए इसको आज निकाले हैं और ये आज धोएंगे, ये डगड़ा भी धोएंगे। और ये काफ़ी हैवी है गाइस, जिससे आप चाहो तो एक्सरसाइज भी कर सकते हो। इट्स टू हैवी, मतलब 1 से 2 किलो का तो होगा ये, है ना? हाँ गाइस, 2-2.5 किलो का होगा ये, काफ़ी हैवी है। सो गाइस रात हो गई है, नहीं रात नहीं हुई, काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है, मतलब कनक काफ़ी टाइम पहले सो गई है और मैं भी जा रही थी सोने, तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग को एंड कर दूं। और आई नो ये वीडियो काफ़ी छोटू सा है, पर कोई बात नहीं ना यार, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि आप शूट करना ही भूल जाते हो, तो आज मेरे साथ वैसा ही हुआ, मैं वीडियो बनाना ही भूल गई थी। तो इस व्लॉग के लिए इतना ही, आई नो छोटा सा है बट क्यूट सा है, ठीक है। तो इस व्लॉग को यहाँ तक देखा है तो वीडियो अच्छा ही लगा होगा, और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देना। एंड आई लव यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो कल मकर संक्रांति है तो कल मिलेंगे।